स्मार्ट लोग आ चुके हैं टी आर एस क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है मैम आपसे बहुत सारी चीजों के बारे में बातें करनी है आई लिटरली फील फील जस्ट द आई सो टू पर क्योंकि आज हमें ज्यादा वक्त नहीं है इस रिकॉर्डिंग के लिए uh, दो आखिरी सवाल पहला सवाल एक बहुत ही हॉट इंटरनेट टॉपिक है आर्यन थियोरी hmm. आप इसके बारे में कुछ बात करना चाहोगे ये ना इट इज़ ऑल सेटल्ड ये एक मुद्दा उठाया गया था बनाया गया था क्यों इसका उद्देश्य क्या था मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर रही हूँ अंग्रेजों के टाइम की बात नहीं कर रही पोस्ट इंडिपेंडेंस एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस अब आप कहेंगे सब कुछ आप एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस पे ब्लेम कर रही हैं लेकिन नहीं उनको ये था ये कहना चाहते थे साबित करना चाहते थे कि मध्यकाल में अगर कोई बाहर से आया तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपकी सारी संस्कृति सभ्यता शुरू होती है जब पहले आक्रमण हुए आर्यंस के तो लेकिन इस पे जो बहुत बड़े विद्वान हैं जैसे बीबी लाल कॉनरेड एल्स्ट और इतने लोगों के नाम मैं दे सकती हूँ जिन्होंने कहा है कि आर्यन इन्वेजन का कोई ठोस सबूत नहीं है अगर आक्रमण होता है तो उसका कोई सबूत होना चाहिए और उन्होंने इतनी यू नो कन्विक्शन से इतने फैक्ट से अपनी पेश की है बात कि जो आर्यन इन्वेजन का दावा लेते थे पहले अब वो कहते हैं कि हम गलत थे आर्यन इन्वेजन नहीं हुआ माइग्रेशन हुआ इन्वेजन और माइग्रेशन में तो बहुत फर्क है तो और माइग्रेशन हो तो कितने लोगों का हुआ तो उस मतलब जो जिन्होंने इस बात को प्रॉपुलराइज किया था अब वो भी पीछे हट रहे हैं और जो सबूत बीबी लाल की आप किताबें पढ़िए इज नो स्कोप लेफ्ट फॉर एनी डाउट ऑन दिस इट इज नाउ अ सेटल्ड मैटर ये हुआ नहीं था नहीं था ओके okay. अच्छा और जो आर्क्योलॉजिस्ट हैं उनका इसमें बहुत बड़ा देन है क्योंकि वो कहते हैं कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी उस टाइम से जब सिविलाइजेशन आगे बढ़ती है देर इज टोटल कंटिन्यूटी देर इज नो ब्रेक इन द सिविलाइजेशन जब सरस्वती आपने सरस्वती नदी का जिक्र किया था तो जब सरस्वती नदी सूख जाती है तो वो गैंजेटिक बेल्ट में वो लोग रीलोकेट करते हैं यानी कि आज के मॉडर्न डे जो यूपी बिहार में लोग हैं तो वो कहते हैं कि कोई ब्रेक नहीं है ये नहीं कि भाई ये सिविलाइजेशन खत्म हुई क्योंकि आक्रमण हुआ सिविलाइजेशन खत्म हुई क्योंकि सरस्वती नदी सूख रही थी और वो लोग आगे बढ़े तो आज के मॉडर्न डे पंजाबीज और जो पाकिस्तानी वो कौन है <laughs> वो तो पुरानी अ, अ, बहुत बड़ी कहानी है बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू आर सिविलाइजेशन वी शुड नॉट लुक की पंजाबी कौन है आज के यूपी कौन है दे आर द इनहेरिटर्स इट ड मैटर क्योंकि <laughs> क्या है कि आप पंजाबी हैं तो लेकिन आप पंजाब से टोटली रूटेड है आपको पंजाब के पहले की कोई मेमरी नहीं है जी. आप ये नहीं कहते कि मैं उजबेकिस्तान से आया हूं ये मैं रूस से आया था नहीं आप पंजाब से हैं तो आपका पंजाब की भूमि से पूरा लगाव है दोस्तों टीआरएस हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को टी आर एस हिंदी बहुत जल्द के आए